अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का ये बायोलॉजी का 9th क्लास का ये टॉपिक एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं। एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बुर्की मटेरियल बाय फोल्डिंग ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर मटेरियल्स को दाखिल किया जाता है। आपको जस्ट लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ऊपर क्या होते हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके साथ क्या होते हैं, लिपिड्स बायलेयर होती है। और फिर हमने ये देखा था ये जो तह है, दो तह है, एक ये वाली जो आपको बॉल्स की शक्ल में नजर आ रहा है ये प्रोटीन है, ये हाइड्रोफिलिक होती है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या होते हैं, दाखिल हो सकते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने साइज में बड़े होते हैं, उनको यानी क्या होता है, बस ये स्टार के साइज का कोई मैंने बता दिया, इसको इसके अंदर दाखिल करने के लिए हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। और यहाँ से गुजरने के लिए एटीपी हमने पढ़ा था, एटीपी लगाना पड़ता है, जिस वजह से खुल जाते हैं और मटेरियल्स अंदर दाखिल होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जैसे आपने पढ़ा है सेमी परमीएबल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल में गुजरने थे कुछ नहीं। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी कि इंटरस्टिशियल वो अंबल है जिसमें सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल अंदर दाखिल होते हैं, और वो दो किस्म के दाखिल होते हैं। अगर कोई ठोस मेटीरियल दाखिल होंगे तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस मटेरियल्स, ठीक है। और अगर कोई माय मटेरियल्स लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो अगर माय के अंदर सेल के अंदर, उसे कहते हैं कि पाइनोसाइटोसिस। होता है किस तरह से, फर्स्ट टाइम आपको एक तस्वीर ये दिखाई गई है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है, अंदर की तरफ दबती है, और ये सॉलिड पार्टिकल जैसे आपने पढ़ा था गॉल्जी अपरेटस जो होते हैं गॉल्जी वॉल पैकिंग का काम करते हैं, वो एक वेसिकल, ये देखें ये एक वेसिकल बना हुआ है, ये वेसिकल बनाकर उसके अंदर देखें सॉलिड मटेरियल अंदर आता है, इस तरह से अंदर आता है। यहाँ पर फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बस्ट होती है, खुलती है, और ये मटेरियल इस तरह से अंदर हो जाता है, दाखिल हो जाता है। सेम इस तरह से लिक्विड पार्टिकल भी, ये देखें सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इमेजिनेट इसको रास्ता दे रही है अंदर दाखिल होगा। तो ये यानी कि मटेरियल यानी कि सेल के अंदर जो दाखिल होगा यानी कि मटेरियल का अंदर दाखिल होना वो क्या कहलाता है, यानी कि एंडोसाइटोसिस। और कोई ठोस मटेरियल अंदर दाखिल होता है फैगोसाइटोसिस, और कोई माय मटेरियल अंदर दाखिल होता है क्या कहते हैं, माय यानी कि पाइनोसाइटोसिस। सेम इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस का रिवर्स है, उलट है, इसमें मटेरियल्स को सेल से बाहर निकाला जाता है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच बुल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड बाहर निकाला जाता है। इसमें भी होता है कि ये मटेरियल जब फर्स्ट में ये आ रहे हैं यहाँ पर, ये मटेरियल इसकी तरफ ऐसे आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन खुद ब खुद फर्स्ट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इमेजिनेट हो जाएगी इसकी गिल्ड, और ये मटेरियल को क्या करेगा यहाँ से एक्सपोर्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। और यहाँ से अगर हम इसको दोबारा इसको इरेज करें और तो ये होगा कि दोबारा अपनी जगह पर ये बन जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था एंडोसाइटोसिस में मटेरियल को अंदर दाखिल किया जाता है, और इसके साथ साथ क्या है, ये दो किस्म का होता है फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ठोस मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर दाखिल किया जाता है, और पाइनोसाइटोसिस में माय मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में दाखिल किया जाता है। और एक्सोसाइटोसिस वो होता है जिसमें सेल से क्या होते हैं मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। इसकी जो तस्वीरों वाली और हमारी एनिमेशन है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं।